जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल डॉक्टर ओम चो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको मोटिवेशनल्स वीडियो, निःशुल्क ज्योतिष परामर्श और ज्योतिष के बारे में विभिन्न जानकारी इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, हमेशा हमसे पूछा जाता है कि पंडित जी, किसी ने काला जादू कर दिया है, मेरे बच्चे को तकलीफ़ है, बेटी को तकलीफ़ है, संतान नहीं हो रही, दुकान नहीं चलती है, व्यवसाय ठप पड़ चुका है, घर में कलेश रहता है, शांति नहीं है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हूँ, मानसिक असंतुलन है। कई प्रश्न, अगर इनमें से कोई भी आपका प्रश्न है इन काला जादू से रिलेटेड, तो उन सभी का जवाब कड़वा सच इस माध्यम से आपको समझ आ जाएगा। पहली और मुख्य बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि काला जादू, टोना टोटका, जो भी लोग आपको अगर रेसिपी बताते हैं, या रेसिपी मतलब जो भी इस तरह का बताते हैं, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। इस बात से, काला जादू, टोना टोटका, वास्तविकता में कुछ भी नहीं होता है। मैं जानता हूं कि आप इस बात से मेरी इत्तेफाक कुछ लोग नहीं रख रहे होंगे शायद, तो उनका भी मैं जवाब आपको इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति काला जादू करके किसी व्यक्ति के बारे में अहित कर सकता है, तो क्यों ना वो व्यक्ति नदियों का रास्ता बदल सकता है, क्यों ना व्यक्ति वो पहाड़ों का रास्ता बदल दे, पहाड़ों को काट दे, प्रकृति में प्रदूषण उसे खत्म कर दे, क्यों ना वो व्यक्ति समुद्र का रास्ता बदल दे, समुद्र को सुखा दे, वो तो सब कुछ कर सकता है जब वो किसी व्यक्ति का अहित कर सकता है। इस देश की गरीबी मिटा दे, बेरोजगारी मिटा दे, तो क्या जो व्यक्ति खुद का भला नहीं कर सकता, वो आपका क्या बुरा कर सकता है? मैं हज़ारों लोगों से एक फरियादी के रूप में मैंने शोध किया है, हज़ारों जो बड़े प्राख्यात जादू टोने टोटके करने वाले लोग हैं, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, कई बार देखा भी उनका कार्यक्रम जो भी है, वो लोगों की सब कुछ सही बात जानी मैंने कि क्या है क्या नहीं है। वो केवल आपकी मानसिकता से खेलते हैं। होता यह है कि आप जिस भी व्यक्ति के बारे में जो भी होता है आपके साथ, यदि कोई बुरा हो रहा है, तो जिस भी व्यक्ति ने घृणित कृत्य कराता है, तो आपका दुख तो देखिए, सुख दुख आपको सबको पता है कि आज अच्छा पल है तो जरूरी नहीं कि कल, क्योंकि यहाँ तो हर क्षण अलग अलग होता है। बस इत्तेफाकन ये होता है, इधर बुरा पल होना और इनका कुछ कृत्य करवाना, या इस तरह की मानसिकता रखना और इनका केवल एक संयोगवश हो जाना, तो आप वो लोग इन्हें सिद्ध मान लेते हैं कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और ये बस यही संयोग को ये लोग जीते हैं और इसके ही करोड़ों रुपए, हज़ारों रुपए कमाते हैं। तो आप अगर किसी भी इसी व्यक्ति में एक चीज़ फंसे हैं, तो प्लीज़ बाहर आएँ, पैसे ना दें, ना ही इन चीज़ों उसके पीछे पड़े, क्योंकि इनसे कुछ होने वाला नहीं है, केवल और केवल आपका हित है, नुकसान है, आप खुद का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि हमारे धर्म में किसी व्यक्ति का बुरा चाहना मात्र से ही बहुत बड़ा गलत काम या अपराध है। तो निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर, कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है वास्तविकता में, केवल ये हमारी मानसिकता को बदल देते हैं, मानसिकता को केवल नेगेटिव कर देते हैं, और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा। ये बिल्कुल बेसिक है, ये वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री महाकाल।